कांग्रेचुलेशंस गाइस, अभिषेक, ओजस, प्रथमेश, आर्चर टीम ने तो तहलका मचा रखा है कल भी. और ओजस, आप तो दो दो पहला एशियन गेम्स में दो दो मेडल लाए हैं. पिछले एशियन गेम्स में दो मेडल था, अभी 6 मेडल हो गया, मुझे 3 गोल्ड और भी आने वाला है. आज का परफॉर्मेंस के लिए फर्स्ट थॉट्स क्या बोलेंगे? अभिषेक, आप सबसे सीनियर है, आप ही शुरू कीजिए. आज एक्सपेक्टेड था हमें कि हम यही करेंगे, दो गोल्ड के लिए खेल रहे थे और दो गोल्ड लेने ही थे हमें. पूरा साल हमने काफ़ी मेहनत करी है और सारे टूर्नामेंट्स में अच्छा भी करा है. और इंडिया एक टफेस्ट कंट्री है, सबको पता है. और अगर हम वर्ल्ड चैंप जीत सकते हैं तो ये तो एशियन गेम्स हैं, हमें पूरा उसका बेनिफिट उठाया है हमने. ओपोनेंट कोई भी हो, हमने स्कोर अपना गिरने नहीं दिया ना बढ़ने दिया. अनफॉर्चुनेटली हम स्टिक रहे और काफ़ी अच्छा शूट करा हमने. एक्सपीरियंस में कह सकते हैं 14 में हमारे 3 मेडल थे और 18 में हमने 2 ही लिए थे. इस बार सारे मेडल्स के लिए खेल रहे थे और हम अच्छा भी खेले और नंबर ऑफ सारे मेडल्स, सारे गोल्ड हो, सिल्वर हो, जो भी आएगा वो सब एक्सेप्ट है हमें और हम बहुत खुश हैं. ओजस, मैं आपके पास आऊँगा, प्रथमेश पहले आपसे पूछ लेता हूँ, आपका भी पहला एशियन गेम्स है, पहला एशियन गेम्स, कैसा लग रहा है गोल्ड मेडल लेके? और आपका टीममेट्स के बारे में बताइए, कैसा केमिस्ट्री है आप तीनों के बीच में? पहला तो गोल्ड मेडल लेके बहुत ही खुश लग रहा है. काफ़ी टाइम से ये मेरा एक ड्रीम था जो आज अचीव हो गया फाइनली. और मेरे टीममेट्स के बारे में तो हम इस साल पूरे सीजन से हम साथ में ट्रेन कर रहे हैं और हमारे साथ में काफ़ी अच्छी केमिस्ट्री बन गई है. मतलब हम तीनों अलग अलग जगह से, पर अभी तीनों ऐसे भाइयों की तरह हो गए हैं, जिसमें अभिषेक भी है, हमारे बड़े भैया हैं जो मतलब हर इस पर हमें गाइड करते रहते हैं. और उस वजह से हमारा काफ़ी अच्छा कोऑर्डिनेशन रहा और कभी हमने एक दूसरे को प्रेशर नहीं आने दिया, इस वजह से हम परफॉर्म कर. बहुत ही बढ़िया. ओजस, आपने कल भी खेला, कल मेडल लिया, तो आज के लिए प्रिपरेशन के लिए कैसे प्रिपेयर किया? रात को क्या सोच रहे थे? दो दो दिन बैक टू बैक खेलना मुश्किल होता है, तो उसके बारे में थोड़ा बताइए. थोड़ा एक प्लस पॉइंट था जब मैं कल खेला था, बिकॉज एक जो पूरा जो एनवायरमेंट रहता है वो मैंने कल ही खेल लिया था, तो आज थोड़ा नॉर्मल था कि हाँ ये कल भी मैंने किया तो आज भी मैं कर सकता हूँ. और बाकी तो मेरे जो टीममेट्स वो बहुत अच्छा सपोर्टिव है, तो एक अच्छा प्लस पॉइंट रहा मेरे लिए. और पीछे से भैया जो है हमारे, वो तो हम के हमें बूस्ट करते रहते हैं, जिसके कारण हम अच्छा परफॉर्म कर पाए. भैया के पास जाते हैं, आपके दोनों छोटे भैया को आप कैसे मोटिवेट करते हैं, क्या बोले कल रात, ये बताइए. कुछ नहीं, हम बहुत टाइम से बहुत सारे टूर्नामेंट जीते हैं हमने और मुझे अपने से ज़्यादा इन पे भरोसा था मुझे, तो मैं तो बस इनको बस पूछ कर रहा था. ये हमारी टीम का क्रिस गेल है और कहीं पे भी हो, कैसा भी हो, ये नहीं छोड़ता, तो ये पकड़ के चल रहा था. साथ में प्रथमेश इस साल बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा है, तो कॉन्फिडेंस अपने आप डेवलप हो गया, तो मेरे को कुछ पे विश्वास था ही. तो एक बहुत अच्छी टीम का कोऑर्डिनेशन हमारा बना, चाहे उठना हो, बैठना हो, खाना हो, पीना हो, घूमना हो, सारी जगह में साथ होने से एक बॉन्डिंग अच्छी बन गई और उसका रिजल्ट देखने के लिए मिला. अच्छा, प्रथमेश कंपटीशन के बारे में बोलिए, आप तीनों क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल सभी डोमिनेशन के साथ जीते, तो आप दोनों आपका टीम फेवरेट्स है, सो फेवरेट्स टैग लेकर खेलना कोई एक्स्ट्रा प्रेशर होता है कि एक्सपेक्टेशन ज़्यादा होती है? नहीं, उल्टा हमें कॉन्फिडेंस आ रहा था इस वजह से, क्योंकि जो हमारा लास्ट वर्ल्ड कप हुआ था उसमें भी हमारी सेम टीम थी और हमने वर्ल्ड लेवल पर गोल्ड लिया था, तो ये तो एशियन लेवल था. बस ये है जो ये 4 साल में होता है एशियन गेम, इसलिए थोड़ा सा प्रेशर था इसका ज़्यादा, कि यहाँ पे मिस्टेक की कोई गुंजाइश नहीं है. पर बाकी हमें कॉन्फिडेंस था कि हमारी बेस्ट टीम है और इसी तरह खेलने का ट्राई कर रहे थे. वो जस्ट कल हमने पूछा था कि कैसे सेलिब्रेट करना है, आपने बोला था अरे अभी भी बाकी है, आज बोल दीजिए कैसे करना है. फिर बोल रहे हो कि और एक बाकी है. पर अभी नेक्स्ट जो भी रहेगा वो भैया और मेरी मैच है, तो इतना प्रेशर कोई है नहीं, क्योंकि भैया हम मस्त फ्रेंडली मैच खेलेंगे, मज़ा करेंगे. अगर होप से आपको भी देखने मिलेगा कुछ ना कुछ तो ऑन स्क्रीन. तो आज का सेलिब्रेशन जो किया बाहुबली स्टाइल, उसके बारे में बताइए. वो हमारी मैंडेटरी पोज है जो हम लास्ट टाइम भी की थी और वो सबसे ज़्यादा फेमस हुई थी, तो वो तो बनती है. लास्ट क्वेश्चन अभिषेक, आपके और ओजस के बीच में जो मैच होने वाला है उसके बारे में बताइए, कैसा कैसा लग रहा है अपने भाई के साथ खेलने? देखो, अब थोड़ा सा रिलैक्स हो गए कह सकते हैं आप कि हाँ हमारे बीच में ही है, कोई पीछे बोलने वाला नहीं है कि तुमने खराब क्यों किया या तूने गोल्ड क्यों लिया. तो इजी है, थोड़ा रिलैक्स है. और अच्छी चीज़ ये है, चाहे रिजल्ट जो भी हो, एक गोल्ड एक सिल्वर कंट्री को आ रहा है, तो हम उससे ज़्यादा सेटिस्फाई हैं. नंबर ऑफ मेडल्स ले रहे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं अच्छा करने की, और फॉर श्योर एक अच्छा मैच देखने के लिए मिलेगा आपको, इन्जॉय करेगी पब्लिक भी,
कि वन ऑन वन बैक टू बैक रहेगा, मुझे ओजस पे ज्यादा भरोसा है। मैं भी कल बेस्ट पर्सन के साथ खेलने वाला। बहुत ही बढ़िया, थैंक यू, कांग्रेचुलेशंस वन सेकंड टीम। ओके, थैंक यू सो मच।